मेरे भाई, आप इस दुनिया में बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हैं, क्योंकि आप एक ब्रह्मचारी हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं और बहुत ज्यादा निराश हैं। आप खुद जरा ध्यान से देखिए, जो गरीब लोग हैं, जो फुटपाथों पर और झोंपड़ियों में रहते हैं, उन बेचारों को एक वक्त का खाना भी सही ढंग से नहीं मिलता। वो गरीब छोटे बच्चे एक वक्त के खाने के लिए कितना धक्के खाते हैं ताकि उनको एक वक्त का खाना मिल सके। उन गरीब बच्चों को ब्रह्मचर्य के बारे में और आध्यात्मिकता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ये गरीब बच्चे फिर भी खुश है अपनी जिंदगी से। और तुम मुझे बताओ कि तुम क्यों दुखी हो अपनी जिंदगी से? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है मेरे भाई? अगर देखा जाए, तुम्हारी लाइफ हजारों गुना बेटर है उन गरीब बच्चों से, उन गरीब लोगों से। तुम्हारे पास स्मार्टफोन है और तुम्हारे घर में बिजली आती है, तुम्हें तीन वक्त का खाना सही से मिलता है, तुम्हारे मॉम और डैड तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हें पॉकेट मनी देते हैं जब तुम स्कूल जाते हो, और तुम्हारे माँ बाप तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं ताकि हमारा बेटा खुश रहे और पढ़ लिख कर अपना फ्यूचर बनाए। लेकिन मेरे भाई, तुम तो अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहे हो, क्योंकि तुम अश्लील फिल्में देख रहे हो और मास्टरबेशन कर रहे हो, और पता नहीं तुमने कितने सालों से वीरनाश किया, और तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती, और तुम कैसे अपने माँ बाप से नजरें मिला रहे हो? तुम्हारे माँ बाप के कितने सपने हैं कि एक दिन हमारा बेटा तो कुछ करेगा। मेरे भाई, ये साल 2022 कितना तेजी के साथ बीत गया, ऐसा लग रहा है कि एक दिन गुजर गया। और मेरे भाई, ये साल 2023 भी निकल जाएगा, क्योंकि टाइम किसी का इंतजार नहीं करता मेरे भाई। जब तुम शीशे में जाकर के देखोगे, अरे भाई मेरे बाल तो सफेद हो गए, मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो साला अपने आप से गिन आने लगेगी, और उस समय तुम बड़ा पछताओगे मेरे भाई, और पछतावे के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, और अपने आप से गिन आने लगेगी कि मैंने क्यों अपनी जिंदगी में वीरनाश किया, मैंने क्यों अश्लील फिल्में देखी, और मैंने क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद किया। अगर मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता और अपने सपनों को पूरा करता, तो आज मुझे खुद पर पछतावा नहीं बल्कि खुद पर गर्व होता, और पूरी दुनिया में मेरी इज्जत होती, और समाज में भी मेरी इज्जत होती। और मेरे भाई, इज्जत इस दुनिया में लेने से नहीं मिलती, इज्जत इस दुनिया में कमानी पड़ती है मेरे भाई। सो भाई लोगों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों ने कितने दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें,